नमस्कार। बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको मैं बताना चाहूँगा लिफ्ट और स्टेयर्स के बारे में कि कहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तीन दिशाएं घर के अंदर लिफ्ट और स्टेयर्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा गलत मानी जाती है। सबसे पहले तो घर के नॉर्थ ईस्ट में, यानी ईशान कोण में, जहाँ उत्तर और पूर्व की दिशा आपस में मिलती है, उसे ईशान कोण कहा जाता है। और एग्जैक्ट उस कॉर्नर के अंदर लिफ्ट और स्टेयर्स बना दी जाती है, तो उसके कारण वास्तु दोष बन जाता है। क्यों वास्तु दोष बनता है? क्योंकि जब लिफ्ट और स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना देते हैं, तो उसका वजन अपने आप में ज़्यादा हो जाता है, और छत के ऊपर जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे ऊँचा हो जाता है। क्योंकि टेरिस पर, छत पर जब लिफ्ट का रूम बनाया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, स्टेयर्स की मोमेंटी से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी लिफ्ट और स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जब लिफ्ट और स्टेयर्स बन जाती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ बनने के कारण बनते हैं। ऐसे ही घर के मध्य भाग में, सेंटर में भी कभी स्टेयर्स और लिफ्ट नहीं बनानी चाहिए। जब सेंटर के अंदर स्टेयर्स और लिफ्ट बनती है, क्योंकि स्टेयर्स में अपने आप में वजन आता है, और दूसरा जो लिफ्ट बनाते हैं, लिफ्ट का नीचे पिट बनता है और छत के ऊपर सबसे ऊंचा हिस्सा बन जाता है। और जब घर के मध्य भाग में लिफ्ट और स्टेयर्स बना देते हैं, तो उसके कारण घर का सेंटर का भाग छत के ऊपर ऊँचा हो जाता है, जिसके कारण घर के अंदर रहने वाले सभी मेंबर की तबीयत खराब रहती है, और समय से पहले जाने के कारण भी बन सकते हैं। तो इसलिए कभी भी घर के मध्य भाग में लिफ्ट और स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए। ऐसे ही साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, इस कॉर्नर में भी लिफ्ट और स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए। साउथ वेस्ट में जब लिफ्ट और स्टेयर्स बनाई जाती है, तो छत के ऊपर साउथ वेस्ट का हिस्सा ऊँचा हो जाता है, जिसके कारण उस घर में रहने वालों को भरपूर पैसा मिलता है, यानी उनका काम बहुत बढ़िया चलता है, उनके यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। लेकिन देखने में आता है जब साउथ वेस्ट के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का खड्डा बना दिया जाता है, तो उसके कारण साउथ वेस्ट का भाग नीचा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बन जाती है। साउथ वेस्ट में जब लिफ्ट बनती है, तो वहाँ पर नीचे लिफ्ट का पिट बनाया जाता है, खड्डा बनाया जाता है, टैंक बनाया जाता है, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट का भाग नीचा हो जाता है, गहरा हो जाता है, और उसके कारण घर के अंदर बच्चे शादी के लायक है, तो उनकी शादी भी समय पे नहीं होती, होती है तो तलाक होने की संभावनाएं भी बन जाती है, और देर सवेर एक्सीडेंट होने के कारण भी बनते हैं, और घर में रहने वालों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए आपको कभी भी साउथ वेस्ट में लिफ्ट नहीं लगानी चाहिए। बाकी किसी भी कॉर्नर में आप लिफ्ट लगाते हैं, तो लिफ्ट लगाते समय, स्टेयर्स बनाते समय, हमेशा आपको और भी बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखना है, वास्तु के नियमों का ध्यान रखना है, जिससे कि वो लिफ्ट और वो स्टेयर्स जहाँ जिस एरिया में बनती है, उसका जो बुरा प्रभाव है, वो आपके जीवन में ना आए। आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर भी जरूर करें। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए हमें इन्वाइट करना चाहते हैं, तो आप हमें इनवाइट भी कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। मैंने अपने YouTube चैनल पर 550 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी है, और मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल सरल सिंपल है। आप मेरी वीडियो को देखकर, शब्दों को सुनकर अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।